अच्छा मोहब्बत हो गई है, ओह हमसे हो गई है, अच्छा जिंदगी लेनी है हमारी ना, जिंदगी नहीं चाहिए हमें तो बस गांड दे दो। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना छपरी यूट्यूबर और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसकी अदाओं के जलवे टिकटॉक से लेकर यूट्यूब तक है। क्या मातम हो रहा है सच्ची में? जिसका अंजलि अरोड़ा मोड हमेशा ऑन रहता है, तभी तो पोस्ट से लेकर रोस्ट तक में यही दिखाई देता है। भाई इसको देखकर अंजलि अरोड़ा और सोफी अंसारी भी सदमे में है। मगर क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का करियर खा चुकी है, इधर से भी और इधर से भी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, जो है किसी की जान और किसी की आपा, यानी यूट्यूब की सबसे संस्कारी यूट्यूबर सलोनी आपा। तो टिकटॉक के किंग जो टीम 07 को कहा जाता है, क्या आपके बारे में उनके लिए राय है, क्या कहेंगे आप? किंग कहा जाता है, बिल्कुल सही है, उन्होंने उतनी मेहनत भी की है। भाई जब ये एक टिकटॉकर थी तो फैजू को अपना आदर्श बताती थी, लेकिन अब प्यार से मुझे फैजू बुलाते हैं। भाई प्यार से नहीं मजबूरी में, अब इतना बड़ा नाम कौन लेगा। भाई इसकी ये वीडियो अगर फैजू ने देख ली ना तो यही बात बोलेगा बस। भाई ये वो यूट्यूबर है जो आए दिन लोगों के गांड में जबरदस्ती उंगली करती रहती है, लेकिन दूसरों से उम्मीद ये रखती है कि कोई इसकी में ना करे। वैसे कोई करेगा भी क्यों, क्योंकि ये काम भी ये खुद ही कर लेती है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सलोनी सिर्फ टिकटॉकर नहीं, सिंगर भी है। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? माना ये सॉन्ग अभी यूट्यूब पर नहीं है, पर टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई है ना। भाई कसम से ये सुनने के बाद मुझे इसकी आवाज भी कोयल जैसी लगने लगी। अपना तो सिंपल फंडा है, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जहाँ पचता नहीं वहाँ खाना नहीं, और जब ना आए तो गाना भी नहीं। अबे तेरे से अच्छा तो रानू मंडल गा लेती है। आज की खबर ये कि ठरकियों की नगरी में मातम का माहौल चल रहा है, वजह सोफिया अंसारी का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया। सोफिया अंसारी का अकाउंट डिलीट हो गया तो क्या हुआ? ठरकी लोग तुम्हें देख के अपनी ठरक मिटा लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर तो तुम दोनों को ही देखकर बराबर सुकून मिलता है। क्या माल है यार? ये कौन सा जन्नत है भाई? ये वही जन्नत है जो तुम हर वीडियो में दिखाने की कोशिश करती हो लेकिन दिखा नहीं पाती हो, क्योंकि तुम्हारे जन्नत सोफी अंसारी जितने बड़े नहीं है ना। जॉकस्टार की बात नहीं हुई यार रे? जो भैया उन्होंने वेब सीरीज के नाम पे बासी फैलाया है अलग तरीके से। कल तक जो लोग इसके आदर्श हुआ करते थे, आज उन्हीं आदर्शों को गाली देकर ये कूल बनती है। तो सलोनी आपा के प्यारे सब्सक्राइबरों, अपनी दीदी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो जिस थाली में खाकर हग सकता है तो वक्त आने पर उसे चाट भी सकता है। तो कम ऑन दोस्तों, कम ऑन, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे पे। भाई जिसके शौक ही ऐसे है उसे क्या ही कहे, और अगर कोई कुछ कह भी दे तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है और इसके सस्ते फैंस कमेंट में गाली देने लगते हैं। ये बात तो सही कह रही है। खैर स्ट्राइक विस्ट्राइक तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट करके ये भी बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। मैं नहीं बताऊंगा। शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर विजिट करो, इस लाल बटन को ग्रे कर दो यार। तरीका है भीख मांगने का। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।